चलो देखो बच्चा, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं बेटा कॉलिजन में। हमारा अब अगला टॉपिक है बेटा कॉलिजन। ठीक है, तो देख बेटा कॉलिजन की अगर बात करें हम लोग, तो कॉलिजन में क्या कहोगे बेटा कि दो बॉडीज मूव करते हुए आई बेटा, टकराई और अलग हो गई। दो बॉडीज आपस में आई, टकराई और फिर अलग हो गई, है ना बच्चा। उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है बेटा कॉलिजन का, ये बहुत छोटा होगा, है ना। मतलब जब भी बॉडी बेटा आपस में कोलाइड करेगा तो क्या होगा, कॉलिजन का टाइम इंटरवल बेटा बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। तो देख बच्चा, देखो बच्चा, अगर मान लो ये एक बॉडी है ना बच्चा, और ये एक बॉडी है ना बेटा, ये बॉडी ए, बॉडी वन एंड बॉडी टू, ठीक है बेटा, मूव करते हुए आया और दोनों आपस में टकराया, है ना बच्चा। तो देखो जहां पे ये कोलाइड किया ना बेटा, इस वाले कोलाइड पॉइंट पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, है ना बेटा। ये लाइन क्या है, ये है कॉमन टेंजेंट। बोलो बच्चा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, कॉमन टेंजेंट। ऐसा टेंजेंट जो दोनों सरफेस के लिए कॉमन है बेटा, ठीक है। और देखो एक ऐसा सरफेस, ये लाइन क्या हुआ, ये लाइन क्या हुआ, कॉमन। ये लाइन हुआ क्या बेटा हमारा, ये लाइन हुआ कॉमन नॉर्मल। समझा बच्चा, ये क्या है टेंजेंट कॉमन, है ना बच्चा, और ये क्या है कॉमन नॉर्मल, है ना बेटा। ऐसा लाइन जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो एट द पॉइंट, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, दिस कॉमन टेंजेंट, दिस कॉमन नॉर्मल, है ना बेटा, दिस कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना बच्चा, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कॉलिजन। समझा बच्चा, इसे क्या बोलोगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना बच्चा। इस लाइन ऑफ कॉलिजन को मैं लिखा करूंगा हमेशा अब LOC, ठीक है बच्चा। ये क्या है, लाइन ऑफ कॉलिजन है बेटा, समझा। तो देख बेटा, सबसे पहला पॉइंट इस लाइन ऑफ कॉलिजन के बारे में है ना, कि देख बच्चा, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन, यही वो लाइन है बेटा जिस लाइन पे ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं, है ना। जब टकराती हैं तो ये बॉडी बेटा इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये वाला बॉडी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे लाइन ऑफ कॉलिजन इज द लाइन, ये वो लाइन है बेटा, है ना, अलोंग विच बॉडीज अप्लाई इंपल्सिव फोर्स, है ना बेटा, इंपल्सिव फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, है ना बेटा। जब वो आपस में टकराएंगे ना बेटा, तो टक्कर के दौरान यही वो लाइन है बेटा जिस लाइन में दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, है ना बच्चा। कैसे लिखेगा, क्या कहते, देखो ये वाला बॉडी बेटा इसके ऊपर यहां से ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना बेटा, और ये वाला बॉडी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना बेटा। ये क्या होगा, नॉर्मल बेटा, लेकिन कैसा नॉर्मल, इंपल्सिव, कैसा नॉर्मल, इंपल्सिव, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, अब मैं कहूं इफ इनिशियल वेलोसिटीज, है ना बेटा, दोनों बॉडीज का वेलोसिटीज, है ना बच्चा, एंड एंड LOC एंड लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना बच्चा, आर कोलिनियर, क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब सेम लाइन पे हो, है ना बच्चा, एक कट गया, आर कोलिनियर, है ना बच्चा, क्या हो वो, सेम लाइन पे हो, पैरेलल हो, कोलिनियर हो, है ना बच्चा। देन कॉलिजन इज कॉल्ड,
तो इस कॉलिजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा वन डायमेंशन। कॉलिजन इज कॉल्ड वन डायमेंशन, है ना बच्चा, या फिर हेड ऑन कॉलिजन, समझा बच्चा, या क्या होगी, क्या हेड ऑन कॉलिजन, समझा बच्चा। ये हेड ऑन कॉलिजन और वन डायमेंशन कॉलिजन का डेफिनेशन हो गया। कैसे हुआ ऐसे, सुनो, मान लो अगर बेटा ये एक बॉडी है, समझा, ये मूव कर रहा है बेटा ऐसे विद ए वेलोसिटी ऑफ यू वन, और एक ऐसे बॉडी है बेटा, है ना, इसकी वेलोसिटी है वी टू, है ना। अब देखो ये दोनों बॉडी है बेटा, कॉलिजन हुआ, है ना। अब देखो बच्चा, जब ये दोनों बॉडी में कॉलिजन हुआ, है ना, तो क्या कहोगे कि कॉलिजन के बाद क्या होगा, एक की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बेटा और एक की वेलोसिटी घट जाएगी। देखो बच्चे, आवाज आ रही तुम लोग को, बच्चे तो आवाज आ रही है, हाँ आ रही है आवाज बच्चों को, बहुत कम आ रही है आवाज, एक मिनट रुको। है ना बेटा, तो देखो अभी जो इनकी वेलोसिटीज है बेटा और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, क्या दिख रहा है बेटा, बोलो, है ना बेटा सेम लाइन पे, बोलो, है ना बेटा सेम लाइन पे, ठीक। तो देख बेटा, अगर हमारा दोनों सेम लाइन पे है बेटा, तो क्या होगा, वन डायमेंशन कोलिजन होगा बच्चा, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉडी जब इसको टकराएगा बेटा यहां से, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ये इसको इधर फोर्स देगा बेटा, है ना, और इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, है ना। तो कॉलिजन के बाद क्या कहेंगे बेटा, कि ये दोनों बॉडी जो हमारा होगा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, या हो सकता है कि बहुत तो बहुत अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, है ना बच्चा। इसलिए बोलते हैं क्या इसको, वन डायमेंशन कॉलिजन या हेड ऑन कॉलिजन, समझ गया बच्चा, ठीक है, है ना। अब देखो दूसरी बात, पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो बच्चा, शिवम बोलो बेटा। सर गुड इवनिंग सर, मैं आपको ये बोल रहा था कि सर आपने जब इससे पहली बार सर आपको बच्चों ने बोला कि वॉइस नहीं आ रही, सर आपकी वॉइस आती रहती है, तो सर आप एक बच्चे को बस अनम्यूट करके अपने साथ रखिए ताकि वो आपको यूजफुल एडवाइस दे सके आ रहा है कि नहीं। नहीं बेटा, ऐसा प्रॉब्लम कभी होता है, कुछ बच्चों का आवाज आती है कुछ बच्चों को नहीं आती, ऐसा होता है कभी जी, समझ सोचो, हाँ ऐसा होता है कभी कभी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनेट का नहीं है बेटा, जूम के नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है कभी कभी। सिद्धार्थ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा डाउट ये था सर, जो सिस्टम का मूवमेंटम होता है सर, उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमेशा जीरो होता है? नॉट नेसेसरी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोल रहे हो क्या? यस सर, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मूवमेंटम सिस्टम का मोमेंटम हाँ जीरो होगा ही बेटा सर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करोगे तो तुम जानते हो ना कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होता है वो सिस्टम का मोमेंटम बताता है ना बेटा, बोलो। यस सर, बोलो, है ना। अब सोचो तुम सेंटर ऑफ मास पे ही बिठा दिया ऑब्जर्वर को, तो उस ऑब्जर्वर के लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो गया कि मूविंग हो गया? यस सर, ओके सर, अब समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। देखो बच्चा आगे, देख बेटा, अब देखा जाए दूसरा केस, इफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड लाइन ऑफ कोलिजन, है ना बेटा, आर नॉट कोलिनियर, है ना बच्चा, क्या हो वो कोलिनियर ना हो, अगर बेटा वो सेम लाइन पे ना हो, है ना, देन देन
the collision, then the collision becomes two dimension. And beta, collision becomes two dimensional. And bachcha, or oblique collision. Samjha beta, isko two dimension bhi bol sakte ho और थ्री डायमेंशन ही बोल सकते हो. समझा बच्चा? जब क्या होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटीज है ना बच्चा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ कोलिजन है ना बच्चा, जब सेम लाइन पे ना हो, कोलिनियर ना हो, है ना. जैसे कि देख बच्चा, मान ले अगर मैं कहूं कि ये एक बॉडी है बेटा, ये बॉडी इमेजिन करो ऐसे मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी यू वन, और देख बच्चा ये वाला बॉडी जो है ये भी मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी यू टू, है ना. लेकिन क्या दिख रहा है अभी तुम्हें, अभी दिख रहा होगा ना बेटा कि इन दोनों की वेलोसिटी का लाइन डिफरेंट है बेटा. बोलो, इन दोनों की वेलोसिटी का लाइन बेटा ऊपर नीचे है. तो अब देखो, जब ये दोनों बॉडी बेटा आपस में टकराएंगे, तो जब आपस में टकराएंगे बेटा तो ऐसे टक्कर होगी ना, बोलो, है ना बच्चा. और जब टक्कर तिरछी होगी तो फिर लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे बनेगा ना बेटा, बोलो, एलओसी ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल, है ना. तब सोचो, जो बॉडी बेटा ऐसे आ रहा था उसको इधर फोर्स मिला, और जो ऐसे जा रहा है बच्चा उसको ऐसे फोर्स मिला. क्या दिख रहा है बेटा, दोनों को जो फोर्स मिला है बेटा वो वेलोसिटी के लाइन पे नहीं है, है ना बच्चा, वेलोसिटी के लाइन पे नहीं है. मतलब देख रहे हो, ऐसे हमारी वेलोसिटी थी बच्चा, ऐसे हमारी वेलोसिटी है और फोर्स इसको ऐसे मिला, है ना बेटा. वेलोसिटी ऐसे और फोर्स ऐसे, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगा बेटा, है ना. इसका मतलब जो ऐसे जा रहा था वो तिरछा भाग जाएगा, तो कोलिजन के बाद इस वाले बॉडी की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी बेटा कुछ, है ना, और इस वाले बॉडी की वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, बोलो, है ना. तो दोनों बॉडी क्या होंगे बेटा, बिखर जाएंगे, है ना. तो देखो बेटा, बॉडी जब आपस में बिखर जाएंगे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन. समझा बेटा, ये क्या है, वन डायमेंशन कोलिजन, और ये क्या है बच्चा, ऑब्लिक कोलिजन, है ना. क्या लिखा है पढ़ो, इफ इनिशियल वेलोसिटीज, देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटीज है ना, एंड एलओसी और लाइन ऑफ कोलिजन आर नॉट कोलिनियर, जब सेम लाइन पे नहीं हो, सेम लाइन पे नहीं हो, देन द कोलिजन, द कोलिजन होगा बेटा वो क्या होगा, टू डायमेंशनल, या बोलेंगे बेटा ऑब्लिक कोलिजन. समझ गया, जब बॉडीज यूं टकराए आपस में, सीध में टकराए, दो बॉडी अगर टकराएंगे बेटा कैसे, सीध में, अगर सीध में टकराएंगे तो क्या होगा, वन डायमेंशन कोलिजन, है ना बच्चा, ठीक है. और अगर हल्का सा तिरछा होंगी तो टू डायमेंशन कोलिजन. एक बच्चा सही लिख रहा है, कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल है ना बच्चा, या बिलियर्ड बॉल का एग्जाम्पल, पूल टेबल का एग्जाम्पल है ना. जब कैरम बोर्ड में जब दो गोटियां टकराती एकदम सीधी, है ना बच्चा, तो दोनों ऐसे मूव करते हैं ना बेटा, बोलो, स्ट्रेट में एकदम, वो क्या हुआ, ये हुआ वन डायमेंशन कोलिजन. लेकिन थोड़ा सा तुम गोटी को तिरछा मारो, मारोगे इस तरह से और गोटी जाएगा बेटा उस तरफ, ये क्या हुआ, टू डायमेंशन कोलिजन. ठीक है, बिल्कुल सही बात, फटाफट लिखो इसको. कैरम बोर्ड में कट मारना, बिल्कुल सही. बोलो चिन्मय, चिन्मय बोलो. हेलो सर, ये मेरे को ये पूछना था कि जो ये डिफ्लेक्शन होगा इसका ओब्लिक कोलिजन के बाद, वो पता कैसे करेंगे हम कि कितना कैसे डिफ्लेक्शन होगा? तो अभी कोलिजन शुरू हुआ है, खत्म हो गया? हां, ओके, अभी कोलिजन स्टार्ट हुआ है बच्चा, ये खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ ना बेटा, इंतजार कर, निकालेंगे सब, इरेज कर रहा हूं अब. अब चलो वन बाय वन दोनों तरह के पढ़ेंगे बेटा कोलिजन. सबके पूछे बताओ, कोलिजन वन डायमेंशन होगा या टू डायमेंशन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कोलिजन वन डायमेंशन होगा या टू डायमेंशन होगा, ये पता करने के लिए क्या देखोगे? बोलो बोलो, एलओसी, बिल्कुल सही बात, एलओसी देखेगा बेटा, और दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटीज देखोगे. ठीक है बच्चा, चलो देखो आगे. अब देखा जाए बेटा, वन डायमेंशनल
और हेड ऑन कॉलिजन, है ना बेटा। इस कॉलिजन को मैं तुम्हें समझाऊंगा एक डायग्राम की मदद से, है ना बच्चा, और वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो डायग्राम पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है बच्चा, वो डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम बनेगा बेटा और डायग्राम से हमारा सब क्लियर हो जाएगा कि कॉलिजन क्या हुआ, है ना बेटा। तो इमेजिन कर बच्चा कि दो रबड़ की गेंदे, इमेजिन कर बच्चा कि दो गेंदे आपस में टकराई और अलग हो गई, है ना बेटा। दो गेंदे आपस में टकराई और अलग हो गई, ठीक है बच्चा। और हमने क्या किया, इस कॉलिजन को वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, है ना बच्चा, और उस वीडियो को एकदम स्लो मोशन में प्ले कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। वीडियो को हम स्लो मोशन में प्ले कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो इमेजिन कर, ध्यान दे, मान ले बेटा ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, है ना बेटा, बॉडी वन एंड बॉडी टू। ये मूव कर रहा है बेटा विथ ए वेलोसिटी यू वन और ये मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी यू टू, है ना बच्चा। तो अब बताओ इन दोनों में कोलिजन होने के लिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कौन बड़ा होगा, U1 या U2? बोलो बच्चा, बोलो बोलो, U1 बड़ा होना चाहिए U2 से, तभी टक्कर होगी ना बेटा, ठीक है। अब चलो ये वाली बॉडी आ करके इसको टकराई, जब ये वाला बॉडी आ करके इसको टकराई, है ना बेटा, अभी अभी कॉलिजन शुरू हुआ, अभी अभी कॉलिजन स्टार्ट हुआ। तो देखो बच्चा, बॉडी वन एंड बॉडी टू क्या हो रहा है, ये वाला बॉडी बेटा इस पे आगे फोर्स लगाएगा ना बेटा, बोल, है ना। तो इसकी वेलोसिटी जब पहले क्या थी, U2 थी, तो ये क्या हो जाएगी, U2 डैश, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, U1 डैश, है ना। तो बताओ इस वाले की वेलोसिटी घट गई होगी या बढ़ गई होगी, बोलो बच्चा, इसकी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज ना बच्चा, इसका मतलब U1 डैश होगा बेटा, U1 डैश वो U1 से कम हो जाएगा, U1 डैश की वैल्यू U1 से कम हो जाएगा। अब चलो बताओ इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ गया होगा या घट गया होगा, बोलो बच्चा, इंक्रीज, बिल्कुल सही बात, इसकी क्या हो गई बेटा, U2 डैश U2 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चा। अब चल देख एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए चल मैंने मान लिया बच्चा कि इसकी थी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी थी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब सोचो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई बेटा, तो 5 मीटर से बढ़ करके इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बच्चा इस वाले की वेलोसिटी क्या होगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ये 9 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा, क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी बेटा 10 से क्या हो जाएगा 9, है ना, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 से 6, है ना बेटा। लेकिन देख क्या देख रहा है, 9 वाली वेलोसिटी बेटा अभी भी 6 मीटर पर सेकंड से बड़ा है ना, बोलो, 9 मीटर पर सेकंड बेटा अभी भी 6 मीटर पर सेकंड से बड़ा है ना बेटा। इसका मतलब ये वाला बॉडी आगे वाला बॉडी को और धकेलेगा और पुश करेगा, बोलो बेटा, है ना। जब और पुश करेगा तो क्या होगा, बोलो, और पुश करेगा तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना बच्चा, ये क्या होगा, दबेगा यहां पे, है ना। जब ये दबेगा तो क्या होगा, बोलो, ये इसको धकेलेगा आगे बेटा, तो सरफेस जो है थोड़ा पिचक जाएगा। ये सोचना बच्चा, ये बॉल आपस में आई, यूं टकराई, है ना बच्चा, और जब यूं टकराएगी बेटा, है ना, तो क्या होगा, देखो जब टक्कर होगी तो एक दूसरे को दबाने की वजह से ये सरफेस ऐसे ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा, है ना बच्चा, दोनों बराबर हो जाएगा, समझा, ठीक है। तो देखो बच्चा इस वाले की वेलोसिटी जब तक इस वाले से ज्यादा होगी तब तक ये वाला बॉडी उसको धकेलता रहेगा, बोलो बेटा, है ना। तो सोचो दोनों बॉडी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या होगा, बताओ, जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ, बोलो बोलो, इक्वल वेलोसिटी, बिल्कुल सही कहा। अब मैंने कहा बेटा दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, है ना बेटा, दोनों की डिफॉर्मेशन जो है बेटा मैक्सिमम हो गया। अब दोनों का डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो गया बच्चा, बॉडी वन और बॉडी टू,
अब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर होगी बेटा, अभी इसकी वेलोसिटी बराबर होगी है ना बच्चा, तो अभी क्या कहोगे, अभी हमारा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है बच्चा, है ना, क्या है ये, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, समझा। तो देखो बच्चा, अभी जो तुमको हम दिखाना चाहते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ना बेटा, इसका मतलब तुम ये समझो कि क्या है, ये है बेटा मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चा, क्या है ये, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है बेटा ये, है ना। अगर लॉस ये मैक्सिमम का है, इसका मतलब ये जो हमारा है बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, इससे कम नहीं हो सकता, समझा बेटा, इससे कम नहीं हो सकता है ना। डिफॉर्मेशन मैंने तुमको सिंबॉलिक दिखाया है ताकि तुम समझो कि एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई बेटा, अभी चली गई बेटा डिफॉर्मेशन में, समझे, अभी काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई, डिफॉर्मेशन में, ठीक है। अब चलो सोचो, अब थोड़ा सोचो बेटा, मान लो एक प्लास्टिक की गेंद, मान ले बच्चा एक प्लास्टिक वाली गेंद है ना बच्चा, एक ले ले रबड़ का बॉल है ना बेटा, और एक ले ले बैलून, दोनों को जमीन पे छोड़ो है ना, बताओ क्या दोनों बराबर ऊंचा बाउंस करता है बेटा, बोलो बोलो, नहीं ना, नहीं बाउंस करता बराबर ना बेटा, एक लकड़ी की बॉल गिरा दो बराबर बाउंस तो नहीं करता है ना बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कितना बाउंस करेगा बेटा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है बच्चा, बोलो, बात समझा ना, है कि नहीं। सोचो इसे, मान लो अगर गीली मिट्टी हो, अगर गीली मिट्टी का बॉल बना दो और उसको गिरा दो तो क्या होगा, गिरेगा धप से चिपक जाएगा, बोलो बच्चा है ना, गीली मिट्टी वाला आएगा यूं टकराएगा और चिपक जाएगा, बाउंस ही नहीं करेगा है ना बच्चा, इसका मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, किसकी, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, तो फैसला नहीं कर सकते जब तक कि हमें यह ना बताया जाए कि मटेरियल कैसा है ना बच्चा। तो देखो, मान लो, इमेजिन करो, अगर मैंने कहा बेटा कि ये जो बॉडीज हैं बेटा वो क्या है, ये इलास्टिक बॉडीज हैं बेटा है ना, ये कैसे बॉडीज हैं, इलास्टिक बॉडीज हैं, एकदम रबड़ के गेंद के जैसा, समझा बेटा, इलास्टिक बॉडीज है मतलब पूरी इलास्टिक है, बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो क्या होगा बताओ, जितना ऊंचा से गिराओगे क्या होगा, फिर से उतना ही ऊंचा आएगा बेटा, एनर्जी लॉस नहीं होगा ना इसमें, बोलो, अगर ये पूरी तरह से इलास्टिक बॉल है बेटा है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा बच्चा है ना, यू कहो कि जितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई है ना, राज तुम बहुत इरिटेटिंग हो बच्चा है ना, तुम जाओ मीटिंग से बाहर, जाओ। चलो देखो, ये हमारा क्या बेटा, इलास्टिक बॉडीज है ना, ठीक है, ये इलास्टिक बॉडी क्या होगा बेटा बताओ, एनर्जी जितनी यहां लॉस हुई है बच्चा, ये फिर से वापस कवर हो जाएंगी है ना बेटा, और अगर फिर से कवर हो जाएंगी इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे जितनी एनर्जी पहले थी बेटा है ना, उतनी एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी, इन दोनों बॉडीज का शेप में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का शेप बिल्कुल सेम जैसा पहले था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाएगा बच्चा है ना, जैसा था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, मतलब मान लो अगर यहाँ एनर्जी थी बेटा 50 जूल, तो यहाँ भी एनर्जी क्या होगी, वापस 50 जूल होगी, ठीक है बच्चा, समझ में आया बेटा बात है ना। अब बताओ ये V1 V2 में कौन बड़ा होगा बेटा, कौन छोटा होगा, जल्दी बोलो, V1 और V2 में कौन बड़ा कौन छोटा, बोलो बोलो, V1 हमारा छोटा होगा बेटा, V1 हमारा छोटा होगा और V2 बड़ा होगा ना बेटा, बोलो, ये वाली वेलोसिटी छोटी होगी और वो वेलोसिटी बड़ी होगी है ना बच्चा। अब चलो, अब मैंने कहा बेटा, इमेजिन करो जो बॉडीज हैं, जो बॉडी है बेटा वो कैसे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना बच्चा, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, समझा, क्या बोलेगा, परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हुआ बेटा, परफेक्टली ऐसे मतलब क्या होगा, उसमें
वापस गेन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, है ना बच्चा, उसमें डिफॉर्मेशन को वापस गेन करने की क्षमता एकदम नहीं है, है ना बच्चा। मतलब जितना डिफॉर्मेशन हो गया ना बेटा उतने ही डिफॉर्मेशन पे रहेगा, है ना, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों बॉडीज ऐसे ही एक दूसरे से चिपक जाएंगी, है ना बेटा, और दोनों बॉडी अभी एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगी। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा हूं मैं एक तीसरा केस। तीसरा केस क्या है बेटा, देख, तीसरा केस कहते हैं बेटा ये कैसे बॉडीज हैं, इन इलास्टिक बॉडीज, है ना बेटा। ये क्या है, इन इलास्टिक, कहने का मतलब ना ही वो पूरी तरह इलास्टिक है बच्चा और ना ही वो पूरी तरह परफेक्ट इलास्टिक है ना बच्चा। ये क्या हुआ, 100% शेप वापस आ गया, इसमें क्या हुआ बिल्कुल नहीं आया, इसमें क्या है थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। इसका मतलब क्या होगा बोलो, दोनों बॉडीज एक दूसरे से बेटा अलग तो हो जाएंगी, है ना बेटा, लेकिन अलग होने के बाद भी इनमें थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन रहेगा बच्चा, बोलो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन रहेगा, है ना। ये बॉडीज की वेलोसिटी ये v1 और ये वेलोसिटी v2, और इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, v1 की वैल्यू छोटी होगी, v1 की वैल्यू बड़ी होगी, समझा बच्चा। ठीक है, ये हमारा छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है ना बेटा। शशांक पूछ रहा है कि इलास्टिक बॉडी से v2 की तरह क्यों है v1 से। अरे बच्चा देखो, यहां दोनों की सेम है ना बेटा वेलोसिटी, बताओ। अब सोचो, जैसे ही अपने शेप में वापस आएगा बेटा तो क्या होगा, ये वाला बॉडी इस वाले बॉडी को धकेल देगा आगे और ये इसको इधर धकेल देगा ना बेटा, तो क्या कहेंगे, जब वेलोसिटी सेम था और ये इसको और धकेल दिया तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी बेटा घट जाएगी, है ना। फटाफट लिख लो। हाँ बच्चा बिल्कुल सही कर सकते हो तुम गुलशन सर, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज अलग नहीं होंगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज अलग नहीं होंगे, बिल्कुल सही बच्चा। चिन्मय बोलो। सर बोल दिया था मैंने आपसे। ओके हर्ष। सर अभी जैसे मैंने शीट भी जो प्रीवियस चैप्टर्स हो गए हैं सर, उनकी मैंने सर शीट भी दोबारा और तीन बार बना ली है और एस सी वर्मा भी कर लिए दो बार, तो अभी क्या करूं, वापस बनाओ उसको, वापस बनाओ सर। वो पूरे सवाल के आंसर लगभग याद हो गए हैं सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि मुझे कोई कहीं से पूछ देगा तो बता दूंगा, तब तक तुम बनाते रहो उसी को वापस, समझा। डीपी इसको फिर से बनाओ, सीट बनाओ, पूरा बोर हो जाते हैं सर। एक बार चेक भी कर लो अपने आप को, डीपी दोबारा बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बनाओ, डीपी के क्वेश्चन है बेटा, बिना रिवीजन के क्वेश्चंस है, डीपीपी तुम्हारा रिवीजन का बहुत सही मटेरियल है बच्चा। अब प्रदीप। हेलो सर, मुझे वो जो थर्ड पॉइंट है वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उस केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्यों होगा, मतलब अभी किस पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी जब तक ज्यादा होगी तब तक क्या होगी बताओ, तब तक वो उसको पुश करता रहेगा, है ना, ठीक, और दबता रहेगा। बस समझ में आ गया अब सर। तो उससे मैक्सिमम लॉस कैसे होगा काइनेटिक एनर्जी का बेटा, काइनेटिक एनर्जी पहले 50 जूल था और अभी मान लो डिफॉर्मेशन एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी से ही जा रहा है ना बेटा उसमें। समझ गया। सार्थक सर, परफेक्टली बोलो सर, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का क्या होगा सर, क्या क्या होगा सर, जैसे इलास्टिक बॉडीज का सर हम लोग ने डायग्राम बनाया तो सर परफेक्टली इलास्टिक में सर बताया तो बेटा देखो, इलास्टिक बॉडीज में क्या होगी, जो शेप डिफॉर्म हुआ था पूरा पूरा वापस जाएगा अपने आकार में, है ना। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाले स्टेट को ही कैरी करेगा, ठीक है, और इलास्टिक में क्या होगा, अपने आकार में वापस तो आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगा। ठीक है बच्चा। हाँ सर। सत्येंद्र।
हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा जो इनइलास्टिक बॉडी है उसमें? जहां तक मैंने बताया वहां तक कोई दिक्कत बच्चा? नहीं सर। ओके, आलोक शुक्ला सर, इनके बाद रेस्ट कर जाए तो? फिर से बोलो सर, कोलिजन के बाद अगर फट जाए वो दोनों बॉडीज तो? तो बेटा अगर एक्सप्लोड कर गया तो क्या फटना भी क्या है बेटा? परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, तो ऐसे ही माना जाएगा उसको, लेकिन पूरी तरह ऐसा नहीं होगा, फिर वो तीन हिस्से बन जाएंगे ना बेटा, तो उसको कुछ कुछ हम लोग ऑब्लिक कोलिजन जैसा डील करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर, वेलकम बेटा। चल देखो बेटा आगे। अब देख बच्चा, इस वाले सिस्टम से इसमें आओ, इस वाले से इसमें आओ, इस वाले से इसमें आओ, है ना बेटा? बताओ क्या कहीं भी कभी भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हुआ बच्चा? बोलो क्या कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हुआ? नहीं ना बच्चा, तो क्या कहोगे? पहला पॉइंट, एज नो एक्सटर्नल फोर्स अपीयर, है ना बेटा? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, है ना? हेंस लीनियर मोमेंटम, हेंस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना बच्चा? इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना बेटा? हमेशा क्या होगा? मोमेंटम बराबर रहेगा बेटा, कभी घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं, है ना बच्चा? क्या कहोगे? देखो इस वाले में पहले कितना मोमेंटम था? तो कहोगे पहले था मोमेंटम m1u1 + m2u2, है ना बच्चा? अब कितना हो गया मोमेंटम? यहां देखो m1u1 + m2u2, यहां क्या हो गया बेटा? तो कहेंगे m1v + m2v, है ना बेटा? यहां क्या हो गया? उधर क्या हो गया? उधर हो गया बेटा m1v1 + m2v2, बोलो बेटा, है ना? मोमेंटम जो है हर स्टेप में बराबर होगा, ना कभी घटेगा और ना कभी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? कि अगर मैं इस सिस्टम के मोमेंटम की बात करूं और टाइम के साथ वेरिएशन, है ना बच्चा? तो मान लो ये कॉलिजन हमारा स्टार्ट हुआ t = t सेकंड पे, है ना बच्चा, और ये कॉलिजन t + δt पे खत्म हो गया, है ना बेटा? मतलब कॉलिजन स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ बेटा इस समय पे, और खत्म कब हो गया? इस समय पे, है ना बेटा? तो तुम क्या कहोगे? इस सिस्टम का मोमेंटम ना कभी बढ़ा ना कभी घटा, जितने मोमेंटम शुरुआत हुआ था बेटा उतना ही मोमेंटम हमेशा रहेगा, है ना? इस मोमेंटम में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, ना कभी घटा और ना कभी बढ़ा, है ना बच्चा? लिख लो, जल्दी लिख लो। आकाश बोलो। सर डिस्कशन होगा ना? हाँ होगा डिस्कशन। ओके सर। ओके शिवांश दुबे बोलो। सर ये PSYS क्या है? कहाँ पे? अरे वो ग्राफ के ऊपर y एक्सिस के बगल। पी सिस्टम। अच्छा पी सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम। यस सर। यस रोहित। हेलो सर, वहां पे क्या लिखे हैं? कंजर्व के नीचे। ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना? उसके नीचे सर, उसके नीचे लिखे, उसके बाद लिखे m1u1 + m2u2। हाँ। इस समय का मोमेंटम। यस सर। ये अभी का मोमेंटम, फिर m1u1 + m2u2, यहाँ का मोमेंटम। यस सर। इक्वल टू m1v + m2v, यहाँ का मोमेंटम। यस सर।
है ना बेटा, इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, इन सब में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अब चलो देख बेटा, अब चलो काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचें। तो देख बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहोगे, देख बच्चा, तो अब कहोगे पहले हमारी सिस्टम में बेटा काइनेटिक एनर्जी देख कितनी थी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, है ना बच्चा। लेकिन जब यहां आया तो हल्का सा डिफॉर्मेशन आया, है ना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का एकदम छोटा सा हिस्सा चला गया किसे बताओ, डिफॉर्मेशन में चला गया, है ना बेटा। और ये डिफॉर्मेशन वाली एनर्जी लगातार बढ़ती गई बेटा, है ना। तो क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो थी 50 जूल, तो फिर हो गया बेटा कितना, ये 40 जूल, फिर कितनी हो गई मान लो 30 जूल, 30 जूल सबसे कम एनर्जी है बच्चा, है ना। फिर देखो इसमें क्या हुआ, वापस आ गया 50 जूल, इसमें लेकिन 30 जूल रह गया, और इसमें क्या होगा बेटा, तो कहेंगे 50 से कम होगा लेकिन 30 से ज्यादा होगा, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना बेटा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले क्या हुई बताओ, तो कहोगे एट फर्स्ट डिक्रीजेस, है ना बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, डिक्रीज किया, है ना बेटा, एंड देन इनक्रीजेस, है ना बेटा। रुको, फर्स्ट डिक्रीज किया, है ना बेटा, गोज टू ए मिनिमम वैल्यू, है ना बेटा, एक कम से कम वैल्यू हो गया बेटा, है ना, एंड देन मे इंक्रीज, है ना बेटा, और उसके बाद इंक्रीज कर सकता है। देखो इस केस में इंक्रीज किया, देखो इस केस में इंक्रीज किया, लेकिन देखो बच्चा इस केस में इंक्रीज नहीं किया, है ना बेटा, बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ग्राफ बताएं तो कैसे बनाओगे, देखो, देख बच्चा ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और ये टाइम, ठीक है बच्चा। मैंने कहा मान लो कॉलिजन बेटा यहां से स्टार्ट हुआ और कॉलिजन यहां पे खत्म हो गया t प्लस डेल्टा t, है ना बेटा। तो क्या हुआ देखो, मान लो इतनी काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया, लेकिन बेटा यहां जब आया शुरू हुआ तो कॉलिजन घटना शुरू हो गया एनर्जी, है ना बेटा, ये एनर्जी घटना शुरू हो गया, समझा बेटा, और एक मिनिमम वैल्यू आ गया, है ना बेटा, और फिर वापस आया, वापस आकर के जितनी एनर्जी पहले थी बेटा एकदम उसके बराबर हो गया, है ना। तो बताओ ये कौन सा कोलिजन है, बोलो बेटा ये कौन सा कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है बेटा, इलास्टिक, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं इसको एक नंबर कहूं तो ये हमारा एक नंबर है बेटा, इलास्टिक है, बोलो, है ना। अब सोचो मैंने कहा बेटा मिनिमम हो गया और मिनिमम से थोड़ा सा इंक्रीज किया बेटा, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, बोलो ये कौन सा केस है, बोलो बेटा ये कौन सा केस है, दो नंबर या तीन नंबर, बोलो बेटा कौन सा केस है, तीन नंबर, सही बात है, है ना बेटा। और मैंने कहा बेटा कि मिनिमा गया और मिनिमम के बराबर ही रह गया, न घटा न बढ़ा, बोलो बच्चा कौन सा है ये, अब एक ही बचा दो नंबर, है ना बेटा, ठीक है लिख लो, नोट कर ले बच्चा। तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी फिर से आ जाएगी वापस, है ना बच्चा। हो गया बच्चा,
नहीं बच्चा मास पे कोई इफेक्ट नहीं मानेंगे हम लोग, मास सेम ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो देख बच्चा, देख बच्चा, तो अगर हमें कहा जाए, अगर हमें कहा जाए बेटा इलास्टिक कोलिजन है ना बच्चा, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा, तो कहोगे इसका मतलब होता है कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज है ना बेटा, इलास्टिक बॉडीज का आपस में कोलिजन है ना बेटा, कोलाइड करेगा है ना बेटा, डिफॉर्मेशन आएगा और फिर वापस अपने आकार में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहते हो बेटा कि वापस अपने आकार में पूरा आ गया, इसका मतलब तो ये हुआ बच्चा ना कि काइनेटिक एनर्जी इतनी लॉस हुई, ये पूरी वापस आ गई है ना बच्चा। क्या कहोगे, एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना बच्चा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, बोलो बेटा होगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देख बच्चा, बोलोगे पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, बाद में क्या हो गया बेटा, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो बोल बच्चा, ये दो इक्वेशन से क्या तुम वी वन और वी टू सॉल्व करके निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो बच्चा निकाल सकते हैं ना बेटा। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम, इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम बेटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं है ना बच्चा, ठीक है। ऐसे दो इक्वेशन बना करके, ऐसे दो इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे, बी वन बी टू निकल जाएगा है ना बच्चा। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है ना बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब क्या है, तो कहोगे कॉलिजन ऑफ बॉडीज विथ नो टेंडेंसी ऑफ रीगेनिंग शेप है ना बच्चा, अपने शेप को वापस गेन करने की क्षमता उसमें बिल्कुल नहीं है, है ना बच्चा। इसमें क्या कहेंगे, कॉलिजन के बाद देख बच्चा, दोनों की तो एक ही वेलोसिटी है ना बच्चा, और एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, क्या कर देंगे बोलो, कर देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 m1v प्लस m2v, बोलो बच्चा। एक इक्वेशन से ही समझ में आ जाएगा सॉल्व, एक इक्वेशन से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा है ना, तुम सिर्फ इसी को सॉल्व करके V का वैल्यू निकाल लोगे है ना, और चाहो तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी निकाल सकते हो। क्या कहोगे बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चा, ठीक है। लेकिन देख बेटा, अगर मैं कहूं बेटा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चा, तो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे कॉलिजन ऑफ इन इलास्टिक बॉडीज है ना बेटा। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो बेटा, जनरल बॉडीज, हम जनरल लाइफ में जो कॉलिजन देखते हैं बच्चा, वो जनरल लाइफ का कॉलिजन ज्यादातर यही होता है ना बेटा, कुछ केस में ऐसा भी होता है ना, लेकिन ये वाला केस बहुत रेयर है बेटा है ना। तो देखो इसकी बात करो तो क्या कहोगे, यहां भी कहोगे बेटा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, एक इक्वेशन, बोलो बच्चा है ना। और एनर्जी इसमें लॉस हुई है ना बेटा, एनर्जी लॉस हुई है तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर मोर देन हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, बोल बेटा। अब बताओ
इस मोर देन को लिख करके क्या तुम वैल्यू सॉल्व कर सकते हो? सोचो, क्या V1 V2 सॉल्व करके निकल सकता है बच्चा? नहीं निकल सकता ना, तो अभी हम लोग ये वाला चीज सॉल्व नहीं कर सकते, है ना बेटा? हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चा? लेकिन इसी की वजह से हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर ये कोलिजन नहीं होता, है ना बेटा, तो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता, है ना बेटा? लेकिन इसी की वजह से हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना बेटा? तो चल आज के लिए इतना ही, अब करेंगे डिस्कस बेटा होमवर्क का, नोट कर लो फटाफट। तो होमवर्क हमारा क्या था बच्चा? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन CD, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 सेक्शन A to D। निकालो निकालो बच्चा। नहीं तो क्या था भाई? रोहित बोलो। सर मेरे को डाउट है। क्या? इनपरफेक्टली कोलिजन और इलास्टिक बॉडीज में, इन इलास्टिक बॉडीज में क्या डिफरेंस है? फिर से बताना। इन इलास्टिक बॉडीज एंड परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस है? वही है, जैसे मान लो तुम्हें भूख लगी हो, तुम खाना खाने बैठे, है ना बेटा, और थोड़ा सा खाना खाया, पेट नहीं भरा, तो क्या है? ये इलास्टिक है। और तुमने बिल्कुल नहीं खाना खाया, वो परफेक्टली इलास्टिक है। ओके थैंक यू सर। ओके सार्थक। कुछ नहीं सर, हो गया वो क्लियर। अच्छा बताओ होमवर्क क्या था? सार्थक नहीं या तुम्हें? राहुल? यस सर। क्या था बेटा होमवर्क? सो होमवर्क था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन D। अच्छा, और पार्ट 2 में? पार्ट 2 में ABCDE। ABCDE और पार्ट 1 में ABCD। हाँ नहीं, हाँ पार्ट 1 को हो गया डिस्कस सर। डी पार्ट 1 में सर सिर्फ डी बाकी है। ई हो गया डिस्कस? ई नहीं सर, ई नहीं हुआ सर, सिर्फ डी बाकी है। अच्छा ई दिया था मैंने होमवर्क? नहीं सर, पार्ट 1 में नहीं दिया। अच्छा ठीक है, चलो पार्ट 1 का निकालो सेक्शन डी। पार्ट 1 का सेक्शन डी कोई पूछना है बेटा? D1 पूछना है, D2 पूछना है, D3 भी पूछना है। वाह 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 वाह, बहुत सही बच्चा, बहुत सही। तुम क्लास क्यों करता है? क्लास मत किया कर बेटा, सिर्फ डाउट क्लास में आया कर, जब डिस्कस करूंगा तभी, जब सब पूछना तुमको है तो। कहता दो ब्लॉक है मास M1 M2 का कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एज सून सार इंपल्स इज गिवन टू M2 सो दैट रिक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ V0 टुवर्ड्स राइट। If the system is kept on a smooth floor, find velocity of center of mass, B, maximum elongation that the spring will suffer. ठीक है बच्चा? D1 का देखो, D1 के लिए ये इसका आंसर है, ठीक है? D1 का ये आंसर, D2 का देखो, D2 का था वहां से M1, M2 are connected by a spring of a spring constant K. Are placed on a smooth horizontal surface. Initially, spring is stretched through a distance d. When the system is released from rest, find the distance moved by the two masses. When spring is compressed by a distance d. देख बच्चा, D2 में कहता है, एक मास लो, ये मास हमारा M1 और ये एक मास लो M2, है ना बच्चा? इसको जोड़ दिया एक ही स्प्रिंग से, है ना बच्चा, और इसमें डी का इलोंगेशन कर दिया, ठीक है? यहां से सिस्टम को छोड़ दिया, ठीक है बच्चा? अब अगर यहां से छोड़ दिया तो क्या होगा? ये पास आ जाएगा बच्चा, है ना? और कहता है कि मान लो अब यहाँ इलोंगेशन हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया,
डी का बेटा कॉम्प्रेशन हो गया है ना, तो ये वाला मास मूव किया बाय ए डिस्टेंस ऑफ एक्स वन और ये मूव किया बाय ए डिस्टेंस ऑफ एक्स वन। तो देख बच्चा ये लंबाई से लंबाई कितना चेंज हुआ, तो चेंज हुआ 2D है ना बेटा, पहले d ज्यादा था अब d कम हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, x1 plus x2 बराबर 2d, बोल बेटा होगा x1 plus x2 बराबर 2d है ना बच्चा। अब देखो यहां से जो है आया बेटा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स था, बोलो बच्चा एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आया ना बेटा, है ना, और सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में था बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे बोलो, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m1 x1 प्लस m2 ये पीछे आया बेटा, तो ये माइनस x2 बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, सॉल्व कर ले इसको। आगे चलो बच्चा, आगे चला जाए, बोलो पूछना है कोई डी में, और आयुष लिखा है हमारा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत सही, चलो आ जाओ पार्ट टू में आ जाओ। आलोक शुक्ला लिखा है D3, आलोक शुक्ला लिखा है, कहता दो ब्लॉक MAMB आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए मींस ऑफ स्प्रिंग एंड आर रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द ब्लॉक्स आर देन पुल्ड अपार्ट सो एज टू स्ट्रेच द स्प्रिंग एंड रिलीज सो दैट रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखते बच्चा D3 में कहता है बेटा कि एक मास ये और एक मास ये, यहां से खींच के बेटा इसको छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इसको भी जीरो। जब दोनों पास आएंगे तो कहता है मान ले इसका वेलोसिटी V1 है और इसका वेलोसिटी V2 है ना बच्चा। तो क्वेश्चन कहता है कि साबित करो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा बेटा वो मास के रेशियो का इनवर्स होगा, ये हमको प्रूफ करना है बच्चा। ठीक है, समझा बच्चा। देखो बच्चा तो क्या कहेंगे, यहां से यहां की बात करें तो देख बेटा मोमेंटम कंजर्व होगा ना, बोलो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स ना मानोगे, तो पहले कितना मोमेंटम था बेटा जीरो और बाद में कितना, तो बोलेंगे बेटा m1 v1 और इसका माइनस m2 v2 है ना बेटा। इसका मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2, बोलो बेटा है ना, दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा बेटा। तो चलो मैंने इसको मान लिया p0 है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का बोल सकते हो ना बेटा मोमेंटम p2/2m, बोलो बेटा बोल सकते हैं ना। तब देखो बच्चा दोनों का मोमेंटम बराबर है ना बेटा, है ना, तो क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी K1 बाई काइनेटिक एनर्जी K2 बराबर m2/m1, क्योंकि मोमेंटम दोनों का बराबर है। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट टू में, पार्ट टू का सेक्शन A1 to A4 पूछना है। देखो A4 में देखो बच्चा A4 में कहता है कि ए थिन यूनिफॉर्म वायर इज बेंट टू फॉर्म द टू इक्वल साइड्स AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर AB = AC = 5 cm। देखो बच्चा ऐसा एक ट्राइंगल मानो बच्चा, है ना, जहां ये ABC, AB हमारा बेटा 5 cm, ये भी हमारा 5 cm है ना बच्चा, BC जो हमारा है उसकी लंबाई बेटा 6 cm। ठीक है, अब कहता है यूनिफॉर्म वायर से बना है बच्चा ऑफ लीनियर ट्वाइस द लीनियर डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट, द थर्ड साइड BC किसकी लंबाई 6 cm है ना बेटा, इसका लीनियर मास डेंसिटी, इसका डेंसिटी लैम्डा, इसका लैम्डा, तो इसका डेंसिटी है बेटा 2 लैम्डा। ठीक है, अब कहता है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए इज, तो कहता है ए वाला पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, है ना बच्चा, ए वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी। देख दो बच्चा, चलिए इसको मैंने मान लिया बेटा ओरिजिन, इसको मैंने मान लिया बेटा एक्स एक्सिस, तो
तो इसको मान लिया मैंने उल्टा, मान लिया मैंने वाई एक्सिस, मैंने वाई को बेटा उल्टा मान लिया, ठीक है। अब देखो तो बेटा दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है ना बेटा, बोलो। तो अगर दोनों तरफ डायग्राम एक जैसा है तो कंफर्म हो गया बेटा कि x सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, बोलो, है ना बेटा। हम क्या निकालेंगे इसमें, y सेंटर ऑफ मास, ठीक बेटा। तो अब देखो सिस्टम में तीन बॉडी है बेटा, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा और इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, है ना बेटा। तो हम लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है बच्चा, है ना, ध्यान देना बेटा। तब सोचो अगर हम ये लंबाई देखें बेटा तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना बेटा, ये है 5 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। तो ये वाला कितना होगा बोलो, ये कितना होगा बेटा, ये होगा ना 4 सेंटीमीटर, बोलो बच्चा, होगा ना। अब सोचो इस वाले का जो मिड पॉइंट है बेटा, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये कितना होगा बोलो, ये कितना होगा बोलो। अरे बेटा ये इसका ये आधा है, इसका अगर ये आधा है तो ये वाला भी इसका आधा होगा, बोलो, सिमिलर ट्रायंगल है बच्चा, सिमिलर ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट ना होता है ना, तो क्या कहेंगे, ये वाला भी इसका आधा होगा बेटा, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2, ये हो जाएगी बेटा 2, है ना। तो m1 by 1, देखो बेटा m1, m1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे m1 क्या, 1 सेंटीमीटर का लंबाई लैम्डा बेटा, तो 5 सेंटीमीटर का कितना मास, तो इसका मास हो गया बेटा 5 लैम्डा, है ना, इंटू वाई वन, कितना बेटा वाई वन, तो 2, फिर प्लस इसका देखो बेटा, इसका क्या बोलोगे, इसका भी 5 लैम्डा, इसका भी 2, फिर प्लस इसका बच्चा, इसका बोलोगे 2 लैम्डा इंटू 6, बोलो बच्चा, होगा, डेंसिटी इसका है 2 लैम्डा और ये 6 सेंटीमीटर, है ना बेटा, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, 4 सेंटीमीटर ना बच्चा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो इसका मास कितना बेटा, लैम्डा इंटू 5 प्लस इसका मास, लैम्डा इंटू 5 प्लस इसका मास, 2 लैम्डा इंटू 6, समझ गए। आगे चलो, A4 के बाद A5, देखो बेटा A5 में, A5 कहता है बेटा कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, समझा बेटा, कहता है अगर कोई एक्स वाई मान लो बेटा एक्सिस, तो ओरिजिन पे ही बेटा सेंटर ऑफ मास है, है ना। तो कहता है बेटा वी कैन इंक्लूड दैट, पहला, द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही बात है बेटा, जितना पार्टिकल इस तरफ होना चाहिए उतना ही पार्टिकल इधर होना चाहिए बच्चा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चा। देखो अगर मुझे xcm 0 चाहिए, इसका मतलब m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, है ना बेटा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं। तो देखो बेटा ऐसा हो सकता है ना कि ये पॉजिटिव हो और ये 2 नेगेटिव हो और पूरा 0 हो जाए, बोलो बच्चा, हो सकता है ना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया बेटा। बी कहता है बेटा द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज सेम एज टोटल मास ऑन द नेगेटिव एक्स, जितना मास पॉजिटिव एक्स पे उतना मास नेगेटिव एक्स पे होना जरूरी है। हम लोग की देखो अगर हमारा m2 m3 और m1 ना बेटा, ठीक है, इनका बराबर होना कोई जरूरी नहीं है बच्चा, है ना, ठीक है, बराबर किसको होना चाहिए, तो m1x1 m2x2 और m3x3, है ना बच्चा, कोई भी 2 टर्म मिलकर के तीसरे टर्म को कैंसिल करना चाहिए, है ना बच्चा, कोई भी 2 टर्म मिलकर के तीसरे टर्म को
कैंसिल करना चाहिए, है ना बच्चा? अगर कोई भी दो, हाँ हाँ सुन लिया सर, वीडियो पॉज हो गई, हाँ दिख गया मुझे, समझा बेटा? इसलिए हमारा बी भी गलत हो गया बेटा। अब सी देखो, सी कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द वाई एक्सिस। जितना पार्टिकल एक्स पे है बेटा उतना पार्टिकल वाई पे, मे बी, हाँ तो मे बी तो हो ही सकता है बेटा, मे बी में कोई दिक्कत नहीं है। सी कहता है देयर इज ए पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहता है बेटा अगर एक पार्टिकल यहां है तो इस लाइन पे भी एक पार्टिकल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बच्चा। मान लो एक पार्टिकल यहां हो और एक पार्टिकल यहां हो, है ना, तो भी इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ सकता है ना, तो डी हमारा गलत हो गया बेटा। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या समझाऊं बेटा, तो लिख के देखे ना, मैथमेटिक्स से बेटा सिंपल ये बताया लायक बात कुछ भी नहीं। आगे चलो, A7 देख बच्चा, A7 कहता है बेटा डिस्क इज कट आउट फ्रॉम ए लार्जर यूनिफॉर्म डिस्क, बिल्कुल नहीं, बता चुका हूं सवाल है, क्लास में कराया हुआ सवाल है। आगे पूछो, B2 चाहिए, B5 चाहिए, B7 चाहिए। देखो बच्चा B2 कहता है बच्चा, B2 कहता है बेटा टू बॉल लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg 30 kg आर प्लेस्ड ऑन ए वर्टिकल लाइन, द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू ए हाइट ऑफ 7 cm, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 cm। देखो बच्चा कहता क्या है, दो बॉडीज मान लो, एक 10 kg का और एक 30 kg का, है ना, वर्टिकल लाइन पे है, एक मास 10 kg का और एक मास 30 kg का। ठीक है बच्चा, कहता फर्स्ट ब्लॉक इसको ऊपर ले जाओ 7 cm, इसको ले जाओ 7 cm, है ना बच्चा। सेकेंड मास को कितना मूव कराए, सेंटर ऑफ मास को मान लिया वाई मूव कराया, ताकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाए, तो लिख दे बेटा m1 delta y1 plus m2 delta y2, नहीं 1 cm ना, सवाल में लिखा है 1 cm, by m1 plus m2 = 1 cm, पुट करो सॉल्व करो, इतना घटिया सवाल है। आगे चलो, अच्छा सॉरी, ये पार्ट वन ही खोल लिया मैंने, अब पार्ट टू देखो गलत है, ये पार्ट वन ही देख लिया मैंने बेटा। चलो देखो पार्ट टू में, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास हैव इनिशियल वेलोसिटी, बच्चा दो पार्टिकल है, पहले वाले की वेलोसिटी u1 वेक्टर ये बेटा 2i और दूसरे की बेटा है 2j कैप, है ना बच्चा। फर्स्ट पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये बेटा i कैप प्लस j कैप, ठीक है बेटा, और दूसरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है बेटा वो जीरो है, है ना, दोनों का मास बराबर है बेटा। तो कहता है सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा बनेगा, तो देख बच्चा सेंटर ऑफ मास का पाथ, अच्छा मैंने तो गलत देख लिया ए वाले में भी, है ना, ठीक बताता हूं, रुक जाओ। देखो बच्चा क्या कह दोगे इसमें, कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा, m u1 वेक्टर प्लस m u2 वेक्टर बाय m प्लस m, ये हो जाएगा बेटा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर बाय 2, ये हो जाएगा बेटा i कैप प्लस j कैप, है ना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा बेटा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बाय m प्लस m, ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा i कैप प्लस j कैप बाई 2। अब बताओ ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, बोलो बच्चा ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या नहीं है,
बोल बच्चा, है ना सेम डायरेक्शन है बेटा। तो देख अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बेटा पैरेलल है। तो कैसा पाथ बनेगा बेटा? सेंटर ऑफ मास का पाथ स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चा। आगे चलो, A7 कहा था कोई पार्ट वन में, मैं गलत देख लिया था? देखो बेटा A7 में, A7 ठीक है बच्चा। देखो कहता है सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज कट आउट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना बच्चा। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम ओ इज, है ना बच्चा। देखो कहता है एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लो बेटा, इसमें से एक सेमी डिस्क काट के निकाल लो, है ना बेटा। तो बाकी जो पोर्शन बच गया वो कौन सा बच गया? देखो ये ना बच गया बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास ओ वाले पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा, है ना बेटा। अब देखो इधर ऑरिजिन माने हो, इधर मान ले बेटा एक्स एक्सिस, तो क्या बोल देगा? एक्सीएम बराबर M1X1 माइनस M2X2 बाय M1 माइनस M2, ठीक है ना बच्चा। अब देखो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकेंड, तो बोलो बेटा मास यहां कैसे बटा हुआ है, एरिया में, लेंथ में या वॉल्यूम में? बोल बच्चा। एरिया में, लेंथ में या वॉल्यूम में? बेटा एक मिनट रुक जाओ, देखो बच्चा। तो M1 हमारा हो गया बेटा ये वाला, तो यहाँ मास बेटा एरिया में ना है, इसका मतलब सिग्मा की बात करनी पड़ेगी ना बेटा। तो इसके लिए कितना बोलेगा मास बड़े वाले के लिए? सिग्मा इनटू ये R है बेटा और ये 2R है, तो कितना एरिया हो जाएगा? R इंटू 2R, ये इसका मास हो गया बेटा, है ना। अब सोचो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का बेटा, इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? मिड पॉइंट पे होगा ना, बोलो। तो आर ये पूरा है बेटा, तो आर बाई टू पे होगा ना, बोलो। माइनस ऑफ, इसके लिए क्या बोलोगे? सेमी डिस्क, तो सेमी डिस्क का बेटा एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टू, है ना बेटा। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बोलो बोलो? 4R/3π डिवाइडेड बाई M1 - M2। ये हो गया बेटा सिग्मा इंटू आर इंटू 2R माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है बच्चा, लिख ले। आगे बोलो बी में और कोई डाउट? B6, देख बच्चा B6 बोलता है कि इंटरनल फोर्स इज इन सिस्टम, सिस्टम का इंटरनल फोर्स क्या कर सकता है? मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है ना बेटा। तो लिखाया हुआ पॉइंट सब लिखाया हुआ है, देखो आगे सेक्शन सी में आओ, सी में आओ, C6 B7 देखो बेटा, B7 में बेटा तुम लोग फोन कर रहे हो अगर तो मत करो बच्चा, तुम फोन करोगे हैंग कर जाएगा, वो फोन से ही चल रही है क्लास, सो डोंट कॉल, ठीक है बच्चा। अब चल टाइम भी हो गया, चल बाद में करते हैं, चल बाद में ही करते हैं डिस्कस। अब देखो हैंग हो गया ना, जब भी कोई कॉल आता है, कॉल आता है तो ऐसे हो जाता है बेटा ये। अब इसी मोबाइल का कैमरा अच्छा है, इसी को यूज करता हूं मैं।
रुको मैं देता हूँ होमवर्क। तो चल आज के लिए इतना ही, होमवर्क दे रहा हूँ आगे। तो देख बेटा आगे के लिए होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे डिस्कशन, एक्सरसाइज वन पार्ट वन सेक्शन ई, एक्सरसाइज वन पार्ट टू सेक्शन बी तक हो गया ना, सी ओ डी सी डी ई, ठीक है। और एक्सरसाइज टू पार्ट वन, छोड़ो इतना ही करो, इतना ही करो चलो। और डीपीपी नंबर कर लो, डीपीपी पहले कौन सा किया था रे, 23 किया था, 24 कर लेना फिर चलो, ठीक है। चलो बच्चा इतना ही आज के लिए, बाय बाय बच्चा बाय।